हेलो हेलो हेलो, तो चौथा नियम था हमारा कि री या बड़ी री के बाद में री या बड़ी री हो तो दोनों के स्थान पर बड़ी री हो जाता है। अब री होने पर भी, हालांकि देखें, आप देखेंगे कि नहीं, सर हमने ऐसा नहीं देखा, हमने तो री री के बाद देखें, ऐसा ही है क्योंकि हम जानते हैं कि रील री बर्णियोर मिथम सावर्ण्यम वाच्यम, ये वार्तिक हम पढ़ चुके हैं। और कहा गया था वहां अक में री भी आया और री भी आया, लेकिन आगे कहा गया था सवर्ण हो। अब हम जानते हैं सवर्ण री काल री भी सवर्ण होता है, इसलिए मैंने एक साथ यहां पर लिख दिए। ठीक है, चलो हालांकि उदाहरण आपको ऐसे देखने को मिलेंगे नहीं, फिर भी बात करें, एक उदाहरण की बात करें कि जैसे होत्री कार्य है कि गुरु जी इसका क्या बन सकता है, देखें यहां क्या बन सकता है। होत्री तो है ही, लेकिन यहां आपने रेकार्य है लिखा, ठीक है। यह हम जानते हैं कि छोटी री और बड़ी री, छोटी री की ये मात्रा होती है जबकि बड़ी री की डबल करनी होती है, जानते हैं ना, ये बड़ी री की है। हमने इसको खोला होत्री प्लस रिकारे है किया, कि रिकारे ही क्यों करें गुरु जी, तो क्या करेंगे हम, यदि ये करना चाहें तो बिल्कुल स्वागतम, ये भी शुद्ध है। अच्छा, और यदि हम ये करना चाहें रिकारे है अपि शुद्धम, होत्री प्लस रिकारह है, यदि ये आया तो भी यहां क्या बनेगा, होत्री कारह है बनेगा, और होत्री प्लस रिकारह है बड़ी री आएगी तब भी यही बनेगा, और होत्री प्लस रिकारह आएगा तब भी यही बनेगा। वो अलग विषय है कि व्यवहार में आपको जब मिलेगा पुस्तक आदियों में तो वहां होत्री प्लस रिकारह ही मिलेगा, ठीक है ना। पर बन तो सकता है, विकल्प आता है तो शुद्ध है, ठीक है ना। ऐसे ही और उदाहरण देखते हैं, पितृ प्लस ऋणम क्या बनेगा भाई, त्रि में क्या है, री, त्रि में क्या है, री है, और आगे भी क्या है, री है, ऋणम री और री दोनों को मिलाया तो क्या हुआ, बड़ी री हुआ, मिलाया मिलाया तो पी, ते में बड़ी री त्रि, और आगे क्या है, ऋणम, क्या बना, पितृणम। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें कि मातृ प्लस रिद्धि क्या बनेगा, हम जानते हैं डबल हो जाएगा मातृद्धि, जैसे कहें कि बनाई है कर्त्री प्लस ऋषि, कर्त्री ऋषि ऐसे ही हम कोई भी उदाहरण बना सकते हैं। आना है होत्री प्लस रिकारे ही आता है भर्त्री प्लस ऋणम क्या हो जाएगा, और इसी के साथ आपकी दीर्घ संधि समाप्त होती है। ठीक है, एक ही सूत्र है तो आप लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए, आप लिख लिया, लिखा दिया था, चलो वृत्ति लिख ली थी इसकी, यानी अकह परे सवर्णे स्यात् तु पूर्व पर्योस्ताने दीर्घ एकादेश भवति, ठीक
ठीक चलो। इससे पहले संधि आनी चाहिए कौन सी? पर रूप संधि, लेकिन पहले इसको ले लिया हमने, चलो खैर। तो आज हम बात करेंगे पर रूप संधि की। किसकी? पर रूप संधि। और एक हम बात करेंगे पूर्व रूप संधि, ठीक है। एक आगे हम ध्यान रखेंगे, आगे ध्यान रखेंगे पर सवर्ण संधि, और एक हम बात करेंगे पूर्व सवर्ण संधि, ठीक है ना। कभी कभी चक्कर पड़ जाता है पर रूप और पर सवर्ण में, पूर्व रूप और पूर्व सवर्ण में। तो ध्यान रखना है कि पर सवर्ण और पूर्व सवर्ण जो है वो हम हल संधि में पढ़ेंगे, व्यंजन संधि में पढ़ेंगे। वहां बात करेंगे हम कि कैसे यहाँ पर क्या होता है, सवर्ण कैसे होता है। तो ये दोनों पर सवर्ण और पूर्व सवर्ण हल संधि के अंतर्गत बात करेंगे, यानी व्यंजन संधि में बात करेंगे। यहाँ जो हमारा विषय है वो क्या है? पर रूप और पूर्व रूप संधि। देखें, पर रूप और पूर्व रूप का मतलब आप यूं मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी पर रूप है। पर का मतलब होता है बाद और पूर्व का मतलब पहले, जानते हैं हम। यानी यानी ये दोनों, अब हम जानते हैं कि एक है पूर्व परियोह, इसका अधिकार चल रहा है, यानी दोनों के स्थान पर कार्य होता है, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर होता है। तो क्या करें? तो करना क्या है भाई? यहां हम जानते हैं कि ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो दोनों के स्थान पर जो भी कार्य होगा, पूर्व क्या है यहां पर? ए। पर क्या है यहां पर? बी। पर यहां पर बी है और पूर्व यहां पर ए है, तो जो दोनों को मिलाने पर जो भी हो जाए, यदि मान लीजिए यहां दोनों के स्थान पर हमने क्या कर दिया? ए कर दिया, कौन सी संधि हो जाएगी? पूर्व रूप संधि हो जाएगी, क्योंकि ये पूर्व है, ये पर है, और दोनों का हमने पूर्व बना दिया, यानी पूर्व रूप कर दिया, पहले वाला रूप कर दिया, तो वो पूर्व रूप संधि हुई। और यदि इन दोनों के स्थान पर हमने बी कर दिया, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये पर रूप संधि हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे हमने कोई भी ले लीजिए, ए है और आगे क्या है? ई है, ठीक है। अब दोनों का हमने मिलाकर के ई बनाया, तो ये क्या हो जाएगा? पर रूप। और दोनों का हमने ए बनाया, तो ये क्या बनेगा? पूर्व रूप। क्लियर हो गया पर रूप और पूर्व रूप? तो देखें, तो हम बात करेंगे किसकी? किसकी? पर रूप की हम बात करेंगे। किसकी? पर रूप। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं हम? पर रूपम, ठीक है ना। क्यों? ये क्यों? मैंने कहा आदेश पर रूप होता है, इसलिए जो आदेश होता है उसके नाम से ही संधि का नामकरण होता है। यहां एक सूत्र पढ़ेंगे हम, क्या? एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम, ये हम सूत्र पढ़ेंगे, एंगी पर रूपम। पश्यंतु, यहां पर क्या है? यहां पर हम जानते हैं कि सप्तमी है और यहां पर प्रथमा है, सप्तमी प्रथमा तो है लेकिन पंचमी नहीं है, तो पंचमी कहां से लें? पहले वाले सूत्रों से। अब पहले वाले सूत्रों की बात करें, मैंने कहा अके सवर्ण दीर्घ है, तो क्रम नहीं था, वो आगे आना था, लेकिन पहले ले लिया। हाँ, तो वो ही हमारा आदगुण और वृद्धि रेचिर वो सब है ना। तो देखें, इससे पहले हम बात करें वृद्धि संधि के पास जाए, वृद्धि संधि के पास तो था ही नहीं, था क्या? क्योंकि वृद्धि रेचि,
उसने कहा भाई मैं तो मैं ही वहां से लाया हूं, कि कहां से, कि आदगुण से, तो आत यहां पर लिया गया। क्या लिया गया? एक तो आवृत्ति किस किस की हुई, अनुवृत्ति किस किस की हुई, देखिए महत्वपूर्ण है यहां पर। एक तो आत लिया गया आदगुण से, ठीक। वृद्धि संधि का लास्ट जो सूत्र था, जो इससे पहले वाला सूत्र था, उपसर्गात रीति धातु, पढ़ा हमने उपसर्गात रीति धातु, वहां से उपसर्गात की अनुवृत्ति और हुई। किसकी? उपसर्गात की आवृत्ति हुई, ठीक है। इसके अलावा उपसर्गात रीति धातु, यहां धातु की भी आवृत्ति हुई, भाई साहब सप्तमी विभक्ति है धातु में, गुरु का गुरव और धातु का धातु सप्तमी है, इसकी भी आवृत्ति हुई। एक है पूर्व परियो, तो एक है पूर्व परियो, उसकी भी आवृत्ति, वो तो अधिकार सूत्र है, वो तो अपने आप ही आएगा, ठीक। अब देखिए ये आवृत्ति हुई आत उपसर्गात धातु। यहां हमें पता है कि पंचमी किस में है, आत और उपसर्गात, उपसर्गात और आत, यानी एक विशेषण है एक विशेष्य है यहां पर। ऐसे ही सप्तमी किस में, धातु में, और एक इधर है क्या, एंगी। तो यहां पर ये भी दोनों विशेषण विशेष्य, दोनों में सप्तमी है, ठीक, और प्रथमा पर रूपम में है ही। इसने क्या कहा था, इसने कहा था आत उपसर्गात यानी अकारांत जिसके अंत में ए हो, ऐसे उपसर्ग यदि परे होते हैं, और उसके बाद, यानी क्या कहा इसने, कि इसने कहा कि ए आत उपसर्गात यानी अकारांत उपसर्ग, और अकारांत उपसर्ग तो हम जानते हैं चार ही होते हैं, बताया मैंने आपको उपसर्गात रीति जाता हूं, प्र उपे अपे अव, चार ही है, ये बात हो चुकी थी उपसर्गात रीति धातु में, यानी प्र उपे अपे और अव, ये चार अकारांत उपसर्ग हैं। तो ये आत उपसर्गात का मतलब इसने कहा कि केवल और केवल चार उपसर्ग ही होने चाहिए, कौन से, प्र उपे अपे अव, तदेव, तब ही जाकर के क्या होगा, तभी जाकर के संधि होनी है। कैसे, तो ये तो हो पहले आत उपसर्गात, लेकिन कहा गया है धातु एंगी, यानी एंगी धातु, कि भैया एंगी हो यानी एंग हो, लेकिन एंग भी ऐसा नहीं है, धातु होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि हर कोई हो, कि एंग का मतलब क्या है, ए ओ ने, यानी ए और ओ दो है, तो क्या कहा इसने, कहा भैया बाद में ए हो या ओ हो, क्योंकि ए और ओ से काम नहीं चलेगा, ए ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु होनी चाहिए। कि धातु कैसा पता चलेगा, अरे तीते अंति जानते हैं, ते एते अंते जानते हैं हम, धातु रूप तो हम पढ़ती पढ़ते पठंती, पता नहीं चला पठंती है यहाँ पर, यानी धातु है कि नहीं है, हमने उपसर्गात रीति धातु पढ़ा, और वहां हमने रक्षति पढ़ा, तो रक्षति का पता नहीं था धातु है कि नहीं है। मैं कहूं बालक है, बालक धातु है क्या, बालक तो धातु नहीं है, हाँ, लेकिन नमती नमते नमंती क्या है, धातु है, ये तो पता क्यों नहीं चलेगा, हाँ तीते अंति लास्ट में आएगा, ठीक है। तो कहा गया कि अकारांत उपसर्ग प्र उपे अपे अब, इन चार अकारांत उपसर्गों के बाद यदि ए या ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो, तो वहां पर पूर्व और पर द्वयो स्थाने, यहां जो इनका ए है, यहां ए या ओ जो भी आ रहा है, उन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, पर रूपम, यानी परे यदि ए है तो दोनों को मिलाकर के ए बनाएंगे, बाद में यदि ओ है तो दोनों को मिलाने पर रूप यानी बाद वाला यानी ओ आदेश हम यहां पर कर देंगे, ठीक है। कैसे देखें आप, यहां हम बात करते हैं कैसे इसको समझते हैं, जैसे हमने प्र और कोई उदाहरण लिया एजते, शर्त क्या थी हमारे, शर्त थी कि प्र उपे अपे अब इन चार उपसर्गों में से कोई एक पहले होना चाहिए, ये थी। देखिए यहां पर पहले है क्या, पहले है, ठीक। दूसरी शर्त ये थी
कि बाद में ए या ओ ए है और ए या ओ भी नहीं, उससे प्रारंभ होने वाली कोई धातु होनी चाहिए और यहाँ पर ते आ गया, यानी सेवते सेवेते सेवनते, यहाँ पर ते आया, यानी ये भी हम कंफर्म हो चुके हैं कि यहाँ पर ये धातु भी है और ऐसे प्रारंभ भी हो रही है, बाद में है, ठीक। पहले प्र उप अब इन चारों में से एक उपसर्ग है यानी अकारांत उपसर्ग है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम जानते हैं कि प्र में क्या है ए, आगे क्या है ए और आगे क्या है जते, वयम जानी में यह तो ही ए और ए पूर्वे वयम पठित बनता है, या तो वृद्धि रेची और वृद्धि रेची उक्तम या तो ही कि आत परे एची स्यात् तरीपूर परियोस्थाने वृद्धि एकादेश भक्ति, और तत्रेव हमने पहला नियम पढ़ा था ऐ के बाद ए ही हो तो दोनों के स्थान पर आई होना चाहिए, यहाँ क्या होगा आई होना चाहिए था वृद्धि के अनुसार, लेकिन ये जो सूत्र है ये वृद्धि का ही अपवाद सूत्र है, क्या है वृद्धि का ही अपवाद है, यानी वृद्धि संधि का ही ये निषेध करता है, ये कहता है कि भाई साहब आप कर लीजिए के बाद ए ही हो तो आप कर लीजिए आई, लेकिन ध्यान रखें कि यदि इन चार उपसर्गों में से यदि कोई आता है और बाद में ऐसे प्रारंभ होने वाली धातु हो तब आपको नहीं करने दूंगा, तब वृद्धि संधि न भविष्यति और वहां क्या कौन सी संधि होगी पररूप संधि होगी, इसलिए इसी का निषेध किया कि नो आई नहीं होगी, आई नहीं होगी, तो पररूप ये ए प्लस बी, यानी पररूप का मतलब क्या हुआ बाद वाला रूप, और बाद वाला रूप कौन सा है ए, इसलिए दोनों को मिलाने पर क्या बना दिया ए बना दिया, क्लियर हुआ। अब हम मिलाते हैं, यहां पर मिलाएंगे तो प्रे में ए मिलेगा तो क्या हो जाएगा प्रे, और आगे क्या है जाते क्या बना प्रेजते, ठीक है। ऐसे ही एक और उदाहरण देखते हैं, उप प्लस औषधि, देखें चार उपसर्गों में से कोई एक उपसर्ग है क्या है, और उसके बाद ए या ओ से प्रारंभ है, ओ से प्रारंभ है, धातु है कि नहीं है, धातु तो है क्योंकि ती आ गया, धातु तो है, धातु है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ पर ए प्लस ओ है और वृद्धि रेची ने हमसे कहा था क्या कि भैया ए के बाद में ओ आए तो दोनों के स्थान पर औ करना होता है, लेकिन इसने क्या किया निषेध किया उसका कि नो यहाँ पर तो पररूप होगा क्योंकि ओ से प्रारंभ होने वाली धातु बाद में आई है और अकारांत उपसर्ग पहले आया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा पररूप, और पररूप क्या है ओ, ठीक। अब हम मिलाते हैं, मिलाएंगे तो ऊ पे में ओ की मात्रा क्या हो जाएगा उपो और आगे क्या है शति, उपो शति, तो आ है ही नहीं ना बेटा, जैसे हम कहें आंग, आंग में तो ङित है वो ङ है, ठीक है, तो आपको तो ये चार ध्यान रखना है, ठीक है। देखें काम की बात बता देता हूं आपको कि थोड़ी देर बाद बताऊं मैं, पहले एक उदाहरण आप कर दीजिए, देखें तो सही कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जैसे अप प्लस ए थी, ध्यान रखना है अकारांत उपसर्गों में से चारों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है ना, और बाद में ए या ओ से प्रारंभ होना चाहिए और धातु होनी चाहिए, फटाफट अभी अभी क्या कर रही है, अरे फटाफट कर फटाफट स्पीडली,
हाँ आराम से, ऐसा नहीं है कोई, थोड़ा बहुत देख सकते हैं इधर उधर, क्योंकि वहाँ भी तो मौका मिल सकता है एग्जाम हॉल में, नहीं मिलेगा तो वहाँ नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ क्यों देखें, बना लिया होगा कोई समस्या, यानी आपने बनाया होगा, इतना डर रहे हैं पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं आरपीएससी को लिख करके दे दूंगा भाई, इन्होंने एक प्रश्न गलत किया, एक नंबर काट दो, ऐसा क्यों डर रहे हैं, यही बनाया होगा ना, तो फिर क्यों डर रहे हैं, ये गलत है, ठीक है ना, क्यों गलत क्यों है, इसलिए दिया, ये क्या मतलब हुआ, आपको पता होना चाहिए ना कि क्यों गलत है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं एते धत्यु ठसु, और मैंने बताया आपको एति और एदिते, नहीं बताया क्या, निकालो अपनी कॉपी, वहां भी मैंने कहा ये पररूप का अपवाद है, इसलिए यहां पर ये सूत्र आया एते धत्यु ठसु, और उसने क्या कहा था, निकालो अपना सूत्र निकालो, क्या कहा उसने, निकालो फटाफट एते धत्यु ठसु, वृद्धि होती है, यहां केवल बात हुई थी ई धातु और एड धातु, और चाहे वो मैंने उदाहरण लिखवाया वहां प्र प्लस ए थी उप प्लस ए थी, लेकिन अब और अब की भी बात की कि नहीं की, तो वहां उदाहरण दो ही लिखवाए, यहां अप प्लस ए थी, तो अप प्लस ए थी हो या प्र प्लस ए थी हो क्या फर्क पड़ता है, वहां भी वृद्धि संधि होगी प्रीति, और यहां पर भी अपैति बनेगा, वृद्धि संधि होगी, एते धत्यु ठसु जो है वो इसी का अपवाद है, इसी के लिए कहता है, तभी तो ऑलरेडी वहां कह दिया, नहीं तो कहने की जरूरत क्या थी बताइए, मैंने बताया वहां भी कि प्रे प्लस एति आया, तो हम जानते हैं कि ए के बाद में ए आया, भैया यहां तो वैसे ही वृद्धि रेचि से ही वृद्धि संधि हो जाती है, तो फिर इसकी जरूरत क्या पड़ी, तब मैंने कहा था इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे एंगी पर रूपम, और वहां आपसे कहा जाएगा ऐसे प्रारंभ होने वाली कोई धातु परे हो, तो वहां वहां पर रूप